नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर की। कैंट स्थित करहरी बाग में गणतंत्र दिवस पिकनिक का आयोजन किया गया। कोरोना जैसी महामारी के चलते पिकनिक में आने वाले समस्त व्यक्ति को सैनिटाइजर व मास्क वितरण किया गया। उचित दूरी का भी पालन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष कैंट बोर्ड लखनलाल जी उमर, संस्था के अध्यक्ष श्रीमती पद्मा गुप्ता व संरक्षक मंडल के अध्यक्ष दीपक गुप्ता जी द्वारा रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर पिकनिक का शुभारंभ किया गया। मंडल के संयोजक मुकेश जी, निर्देशिका उषा रमेशा, मंत्रालय सुनीता गुप्ता ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथि लोगों का स्वागत किया। समस्त कमेटी के मेंबरों ने राष्ट्रीय गान किया। पिकनिक का मुख्य आकर्षण छोटे छोटे बच्चों द्वारा गणतंत्र दिवस थीम में फैंसी ड्रेस शो के दौरान विवान पार्थ अविक पूर्वी वैभव। अनेक बच्चों ने अनेकों रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर सबका मन मोह लिया। छोटे बच्चों के लिए काफी अनेक प्रकार के इस कार्यक्रम में गेम भी थे, जिसमें छोटे बच्चों ने खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस खेल में जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। पिकनिक में गेम और मनोरंजन के साथ कई प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था भी थी। पिकनिक में आने वाले समस्त महिलाओं बच्चों ने बहुत ही उल्लास उमंग व बड़े जोश के साथ पिकनिक में खूब बढ़ चढ़ कर के मनोरंजन किया। कई बच्चों ने ढोल वालों के साथ मिलकर देशभक्ति के गानों में अपना अपना डांस कर करतब दिखाया। पिकनिक के मुख्य रूप से संयोजक मुकेश गुप्ता, अध्यक्ष पदम गुप्ता, मंत्रालय सुनीता गुप्ता, निर्देशिका उषा गुप्ता, कोषाध्यक्ष दीपाली गुप्ता, सांस्कृतिक मंत्रालय अंशुमणि गुप्ता, प्रीति रश्मि, सीमा तारा, सुधा शोभना, संरक्षक मंडल ओमर वैस, जगदीश मंडल के अध्यक्ष दीपक गुप्ता, मंत्री राजकुमार गुप्ता, आयुष गुप्ता, शिखा गुप्ता, आशा गुप्ता, सोनल गुप्ता, प्रीति गुप्ता, रश्मि गुप्ता, सौम्या गुप्ता, रीता गुप्ता, रचना गुप्ता, कीर्ति गुप्ता, उनकी बेटी कृष्वी गुप्ता। इस कार्यक्रम में अनेक महिलाएं और बच्चे पिकनिक में शामिल हुए। परिचय, यहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है? पिकनिक प्रोग्राम है, जिसमें हमारे यहाँ बच्चे और हमारी मंडल के सदस्य, बाकी समाज के वीआईपी लोग, दोनों ने समाज की सेवा की। और कुछ लोग पिकनिक आयोजन है। हम लोगों ने कोरोना काल के बाद एक पहला कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम लोगों ने पहले से कह दिया था, सब लोग कोरोना का अपना ध्यान रखे, सब लोग अपना प्रोटेक्ट होकर के आए। यहाँ पे बच्चों को हम लोगों ने देशभक्ति के ऊपर किया है, बच्चों की फैशन शो की देशभक्ति के ऊपर। कोई भगत सिंह बन के आया, कोई अब्दुल कलाम बन के आया, कोई भारत माता बन के आया। तो हमारी सारी ये थीम पूरी गणतंत्र दिवस है। इसमें चलते प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखते हैं, सभी को मास्क पहन के। ये क्या क्या उद्देश्य है इसका प्रोग्राम का? मेन जी गेट टुगेदर, एक मिला। अच्छा, एक मिला जुला। अच्छा अच्छा अच्छा, एक भाईचारा का संदेश देखा जाए तो इस प्रोग्राम के माध्यम से ये देना है। इसमें लोगों में किस प्रकार की जागरूकता फैलती है? सब लोगों को मिलजुल के, सारे राज्य के लोग आए हुए बन बन करके, सारे राज्य के फैशन ड्रेस पहन। जिस तरह से भारत में जय जवान जय किसान के नारे के साथ अभी तक इस चीज का अवहेलना की जा रही है, किसान भी रोड पे हैं और जवान भी रोड पे हैं, इसमें कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, इस बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो सरकार उचित समझती वही करती है। अब सरकार को और किसानों को एक दूसरे के बारे में समझना चाहिए, एक दूसरे के विचारों के संग मिल करके आगे बढ़ना चाहिए। किसी का चक्का जाम करने से और इस तरह से लाल किले में कुछ करने से कुछ नहीं होता है, और बदनामी होती किसानों की। इससे सबको मिल करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी देश विकास हो सकता है। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता मुकेश कुमार की खास रिपोर्ट।